भट्टाचार्य जी, साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है वह सूर्य ग्रहण चैत्र नवरात्रि पर प्रभाव डालने वाला है, तो चैत्र नवरात्रि के कलश स्थापन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। इस बार नए साल का शुरुआत चैत्र नवरात्र के साथ होता है। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी उसी दिन से होता है, लेकिन संयोग इस बार ऐसा है 8 और 9 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण, जो कि भारत में दृश्य नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का काल रात्रि भारतीय समयानुसार रात्रि 9:12 से प्रारंभ होगा और मध्य रात्रि 1:32 पर समाप्त होगा। तो इस बार कलश स्थापन यानी क्षेत्र नवरात्र जो होगा उसके पहले सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो ये विशेष ध्यान रखें, कलश स्थापन करने के पहले आप शुद्ध और पवित्र हो करके ही, आप जो ग्रहण की शुद्धि होती है उसकी शुद्धि के बाद ही कलश शुभ मुहूर्त में आप स्थापित करें, हो सके तो अभिजित मुहूर्त में ही कलश स्थापन करें, क्योंकि उस दिन राहु काल भी है और योग भी खराब है, इसलिए उस योग को देखते हुए चैत्र नवरात्र का कलश स्थापन करके आप नए वर्ष का प्रारंभ कर सकते हैं।